बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित भी किया। मकान मालिक की ओर से छिपकर बनाई गई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक सेन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। झांसी से वो बेला फुसला के लाया, वो जब प्रेम जता के कि मेरी दादी है और मेरे साथ चलो, मैं भी कुछ सेवा करूंगी आपकी। मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई, छोटे में तुमने मेरी सेवा करी, मैं आपकी सेवा करूंगी। आपकी बहू है जी, आपकी जो और नातिनी पोतनी है जिनको खिलाना, मैं तुमको अच्छे से रखूंगा, तो चलो मेरे साथ। तो वो लगभग मैं 8 दिन रुका हूँ हमारे घर पास झांसी, 8 दिन उसको अच्छा खिलाया पिलाया, उसकी बहू को सब कुछ खूब से अच्छे से रखा, तो वो हमको माने जीत लिया सब लोगों को। बस इसके बाद वो आ गया लेके, हम अपने काम धाम में लग गए और छोटी वाली बहू किसे बोल के लेके आ गए, मैं जा रहा चाची बोले ले जाऊँ, तो ले जाते कौन दीकर है बोले ले जा। इसके बाद बस इधर लाया, 2-4 दिन बाद उन्होंने मारपीट चालू कर दी। वही पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपने बयान में कहा है कि उसका पोता उसकी पत्नी लगभग 3 महीनों से उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया। फिर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आईपीएस की कई धाराओं के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस घरेलू विवाद के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। ये 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक और युवती इन दोनों के द्वारा एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। इसमें जब संज्ञान लिया गया तो तस्दीक की गई, तो ज्ञात हुआ कि दीपक सेन और उसकी पत्नी पूजा सेन, जो बरखेड़ी जहांगीराबाद में निवास करते हैं, इनके द्वारा अपनी जो दीपक सेन की दादी हैं उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसमें जैसे ही वीडियो सामने आया, FIR जो है थाना जहांगीराबाद में दर्ज की गई और कल शाम को जो इसमें आरोपी हैं दीपक सेन और पूजा सेन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।